नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छपरा से लुधियाना तक चलने वाली सबसे सस्ती, सबसे तेज और सबसे बेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे छपरा से लुधियाना आप मात्र कैसे 320 रुपये में पहुँच सकते हो, या बात करेंगे छपरा से लुधियाना तक टॉप 3 ट्रेनें कौन सी हैं जो कि सबसे सस्ती, तेज और अच्छी ट्रेन है, जिससे आप सबसे सस्ते और तेज तरीके से छपरा से लुधियाना तक पहुंच सकते हो, और बात करेंगे उस कोच के बारे में जिसमें आप बैठकर मात्र 320 रुपए में छपरा से लुधियाना पहुंच सकते हो। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में, जानेंगे छपरा के कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से दिन वो ट्रेन जो है चलती है, कितने बजे चलती है, लुधियाना में कब पहुँचती है वो ट्रेन और कितना समय लगाती है, और उसके कौन से कोच में आप बैठ कर जा सकते हैं, कौन कौन से कोचेज हैं और वो जो ट्रेन है कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं छपरा से लुधियाना तक चलने वाली टॉप 3 ट्रेनों के बारे में जो कि सबसे सस्ती और सबसे अच्छी ट्रेन है। तो टॉप 3 ट्रेनों में से जो सबसे पहली ट्रेन मैंने सेलेक्ट की है जो कि सबसे फास्टेस्ट है, जो कि है न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर करम भूमि एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि फुली अनरिजर्व ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 12407। ये जो ट्रेन है हर बुधवार को छपरा जंक्शन से शाम के 6:55 पर 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20 घंटे का समय लेती है ये लुधियाना जंक्शन पंजाब में पहुंचने के लिए। दोपहर के 2:55 पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 1130 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 57 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये फुली अनरिजर्व ट्रेन है। सिर्फ आपको इसमें जनरल टिकट लेके चढ़ जाना है। जनरल टिकट का प्राइस जो छपरा से लुधियाना तक का है वो है तकरीबन 320 रुपये। आप एक बार टिकट काउंटर पे जाके जो है टिकट कंफर्म जरूर कीजिए। और इसमें तकरीबन 16 कोचेस जनरल अनरिजर्व डिब्बों के हैं जिसमें आप जो है जनरल टिकट लेके छपरा से लुधियाना तक सफ़र कर सकते हैं सबसे सस्ते और तेज तरीके से। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पर है जो कि सबसे सस्ती और तेज है, जो कि है मौर ध्वज एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12491। ये जो ट्रेन है छपरा जंक्शन से हर इतवार को 9:50 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:05 बाद लुधियाना जंक्शन में 6:55 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 14 स्टेशन से 1130 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHP कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। और बात करें अगर इसके जनरल डिब्बों के बारे में तो इसमें 4 जनरल डिब्बे हैं जो कि इंजन के पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जिसका टिकट किराया लगभग 320 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी मैंने ट्रेन सेलेक्ट की है इस रूट पर है, उसका नाम है भागलपुर जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15097। ये जो ट्रेन है छपरा जंक्शन से हर शुक्रवार को 9:50 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:36 बाद लुधियाना जंक्शन में अगले दिन 7:26 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन से 1162 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 54 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। जनरल अगर बात करें कोचेस के बारे में तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों के 2 कोच हैं जो कि इंजन की तरफ ट्रेन के पीछे की तरफ लगाए गए हैं, जिसका किराया लगभग 310 रुपये है, जो कि छपरा से लुधियाना तक का बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ छपरा से लुधियाना तक चलने वाली सबसे सस्ती और तेज ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका।